ईश्वरी के सभी दर्शकों को जय यीशु। सृष्टि की रचना ईश्वर ने अपने कृपा पूर्ण प्रेम में की। ईश्वर ने मनुष्य के रहने की खाने की व्यवस्था की, परंतु मनुष्य ने ईश्वर द्वारा प्रदान चीजों का मूल्य नहीं समझा और उन्होंने संसार को हर वस्तु के लिए संघर्ष का स्थान समझा। प्रभु ईसा का जन्म ऐसे ही समय पर हुआ जब सैनिकों का भय लोगों को सताता था, गरीबी थी। प्रभु ईसा ने ईश्वर के सर्वोच्च पुत्र होते हुए भी चरनी में जन्म लिया। वे कहते थे, पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना ही लुनते हैं, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाते हैं। ईश्वर घास को भी इतने अच्छे से सजाते हैं, तो हम तो उनकी संतान हैं, वे हमारी चिंता क्यों नहीं करेंगे। प्रेमी प्रभु को समर्पित हमारी पहली परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर ईश्वर के प्रेम के बारे में और बातें करेंगे। Peace.
उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देखते हैं कि किस तरह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग होता है, पाप मार्ग पर चलता है और जब उसे अपने कर्मों पर सच्चा पछतावा होता है तो वह घर लौट आता है और पिता उसे प्रेम से अपनाते हैं। यह ईश्वर का प्रेम है जिस पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु ईसा ईश्वर के इस प्रेम का जीवंत उदाहरण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। ईश्वर का प्रेम हमें संरक्षित करता है। हम ये सदैव सोचते हैं कि पानी का ग्लास आधा खाली, अर्थात हम उस भरे ग्लास को नहीं देखते। हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद नहीं करते, परंतु हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो आइए हमारी इस परफॉर्मेंस के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद करें।
हमारे पिता हमारी सब गलतियां माफ करते हैं, हमारा साथ थामकर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। यह ईश्वर का प्रेम है जिसके कारण उन्होंने प्रभु ईसा को हमें दिया। यह प्रभु ईसा का प्रेम है जिसके कारण उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया। चलिए देखते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। दोस्तों, हम प्रभु ईसा पर विश्वास करें और उनके प्रेम के लिए सदैव उनकी आराधना करें। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और मैं ये आशा करती हूँ कि आप आगे भी ईश्वरी टेलीविजन देखते रहेंगे। जय यीशु, हैप्पी न्यू ईयर।
for latest videos and updates. Like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.